हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। देवश इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ने जो ऑनलाइन एजुकेशन का कैंपेन स्टार्ट किया है, उसके अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल, आप लोगों ने 10th क्लियर कर लिया और आप सब लोग 11th में आ गए। सो बेसिकली फर्स्ट लेक्चर हमेशा से ऐसा होता है कि जिसमें हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं, टीचर हर एक बच्चे को खड़े हो होकर उनका नाम पूछते हैं, कौन से स्कूल से उन्होंने, मतलब पुरानी पहले स्कूल कौन सी थी, 10th में कितने परसेंटेज रहे, और ये सारी चीजें पूछते हैं जनरली, और 10th में कैसा रिजल्ट रहा उनका, ये सब चीजें डिस्कशन करते हैं। अब नॉर्मली ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना इफेक्ट्स, लॉकडाउन तो अब नहीं कह सकते बिकॉज लॉकडाउन ओपन हो गया, बट हम ही लोग टीचर एंड बच्चे ही सिर्फ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। ऑल ओवर पूरी इकोनॉमी जो है अब लॉकअप में से छूट गई, बट हम लोग अभी भी लॉकअप में ही हैं, हमें अभी भी घर पे ही रहना है। नो प्रॉब्लम, हम पूरी ट्राई करेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग ही आएगी। जनरली इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट दे देती हूँ। आप लोग इंट्रोडक्शन देने के लिए ट्राई कर सकते हो कि आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपना नेम, अपने स्कूल एंड अपने 10th का रिजल्ट जो है, अगर आप चाहते हो तो, कोई फोर्स नहीं है, आप मुझे इंट्रोडक्शन अपना ऐसे दे सकते हो। सो बेसिकली आई एम दया पटेल, वर्किंग विथ देवश इंटरनेशनल स्कूल सिंस 4 years, एंड ये मेरा 4th ईयर कंटिन्यू है एज अ अकाउंट स्टेट फैकल्टी। एंड मैंने एम कॉम एंड इंटर सी ए किया हुआ है, ये मेरी एजुकेशनल डिग्री है। अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, ज़्यादा बड़ी बड़ी डिग्री तो मेरे पास है नहीं, आप लोग बड़े बड़े जितनी डिग्रीज लेने वाले हो उतनी डिग्री तो नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को जितनी नॉलेज की जरूरत है मैं हमेशा उतना नॉलेज आपको दे पाऊँ। अब जनरली फर्स्ट लेक्चर में कभी कोई पढ़ता नहीं है, और जैसे कि ऑनलाइन लेक्चर है तो हम और बात भी क्या कर सकते हैं, बट मैं पढ़ाने की ट्राई नहीं करूंगी आपको, आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड कुछ भी, इसीलिए मैं इस टाइप से एक आराम से बैठे बैठे लेक्चर ले रही हूँ कि जिससे आपको थोड़ी पढ़ने वाली फीलिंग ना आए कि बोर्ड और मार्कर जैसे ही बच्चे देखते हैं डर जाते हैं कि क्या वेरी फर्स्ट डे इसने तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं उस टाइप की खड़ूस टीचर नहीं हूँ कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में चलो ये चैप्टर बुक ओपन करो और ये सब, तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया, आपके इंट्रोडक्शन के लिए भी मैंने आपको एक वे बताया कि आप किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा आज हम और किसी एक चीज का इंट्रोडक्शन करेंगे, और यस मैंने सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बनाया था, तो आपने शायद से वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी कि जिसके थ्रू आप वो वीडियो से सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आप ले सकते हो। आज हम डिटेल में स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आप क्या पढ़ोगे। तो जनरली पढ़ने से भी पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। अब तक ऐसा था कि आप लोगों में से जितने भी बच्चे बैठे उसमें से कोई 90% वाला है, कोई 85% वाला है, एंड इवन कोई 58-60% वाले बच्चे भी बैठे हैं। तो 10th तक आपने जो भी कुछ पढ़ा, जो भी कुछ सीखा, वो पूरी एक अलग चीज थी। अब 10th तक आपने जो पढ़ा उसमें से यहाँ पे क्या आएगा, तो फ्रेंड्स जीरो, कुछ नहीं आने वाला है, सब कुछ नई पढ़ाई करनी है, खाली प्लस माइनस आता है, थोड़ा बहुत बेसिक सा मैथ्स आता है, दैट्स ऑल। अगर वो भी नहीं आता ना, सीख जाओगे मेरे साथ रह रह के, तो माइंड में एक सेटअप बना देना है आज से ही।
कि हमें 2 साल कैसे पढ़ाई करनी है। माइंड में ये सेटअप मत बनाओ कि मैंने अब तक 12 साल पढ़ाई कैसे की, ये अभी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। अब आप जो 2 साल पढ़ाई करोगे वो ही आपको लाइफ में आगे ले जाएगी। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप आगे जाओगे, आपको कोई कभी भी 10th की मार्कशीट के बारे में नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर आपको कोई ऐसे 10th के बेस पे आगे कोई कोर्स करना है देन उसकी जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी, बट 10th में आपने जो भी रिजल्ट दिखाया है, इट मे बी कम, इट मे बी मोर, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, यस लेस और मोर, बट देन आफ्टर अभी क्या सिचुएशन है, अभी आप सब जीरो पे हो। चाहे कोई बंदा 90% वाला है, चाहे कोई बंदा 57-50% वाला क्यों नहीं है, सब जीरो पे। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर में जो चीज आने वाली है वो ना तो 90% वाले को पता है ना 50% वाले को। इवन इन द स्टैटिस्टिक्स की बात करें और इवन इन अकाउंट्स की बात करें या इकोनॉमिक्स की करें या बीए की करें, कोई कुछ पढ़ के ही नहीं आया है, किसी को कुछ नहीं आता है। नए टीचर्स है, नई बुक है, आप लोग भी नए बन जाओ। अब तक जैसे पढ़ाई करी है उसको थोड़ा चेंज कर दो। आपको लगता है आप पढ़ाई में वीक हो तो थोड़ा पढ़ाई में जो ध्यान देते हो ज्यादा देना स्टार्ट कर दो। जो भूल आप छोटे थे तब की वो अब मत करो। बिकॉज जनरली क्या होता है, देखो मैं क्लीन बात करूं आपको, कि जब 5th 6th स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है ना तो पढ़ाई में इतना उसको इंटरेस्ट होता ही नहीं है, खेलकूद में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उसके कारण उसका काफी सारे मैथ्स के कंसेप्ट छूट गए हैं, साइंस के कंसेप्ट छूट गए हैं, हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो उसके कारण उसने स्टार्टिंग की हिस्ट्री जो इजी इजी वे में देते थे वो उसने इग्नोर करी। फिर जब बच्चा 8th 9th स्टैंडर्ड में आता है ना तो अपनी जी जान लगाता है पढ़ने के लिए, बट क्योंकि उसका बेस इतना ज्यादा पक्का नहीं है तो उसके कारण जो आप बोलोगे ना कि जो एक बुनियाद ही अगर ढीली है, विक है, तो उसके ऊपर जो हम बिल्डिंग बनाएंगे इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो ऐसा ही फिर होता था कि 8th 9th एंड 10th में बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है पर रिजल्ट नहीं मिलता। द रीजन इज दैट कि उसका कंसेप्ट वीक है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो वीक है। तो अगर आप भी ऐसे बच्चे रहे हो अब तक कि आपका बेसिक बहुत वीक था और आप इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते थे, तो आपके लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अब जीरो से स्टार्ट करो। बिकॉज सब कुछ नया है। देखो अकाउंट्स में क्या आता है आपको अभी कुछ नहीं पता, स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है आपको कुछ नहीं पता, 90% वाले को भी नहीं पता डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, ये उनको कुछ नहीं पता। ऐसे ही 50 वाले को भी नहीं पता है। अब दोनों को बताएगा कौन, हम टीचर्स, कब? एक ही साथ में दोनों को बताएंगे, एक ही वे में बताएंगे। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी मेहनत 90% वाला करता है ना उतनी मेहनत आप भी कर लो, आप भी रिजल्ट अपना ग्रो कर सकते हो, अपने रिजल्ट को अच्छा बेटर बना सकते हो। मतलब 50 की मार्कशीट अगर 10th में आई है ना तो उसको 50 ही रखना है या उसको 60 70 80 90 तक लेके जाना है, ये आपको खुद ही को डिसाइड करना है। खास करके ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ बच्चे मन से ही डीमोटिवेट होते हैं कि मुझसे नहीं होता है, मेरे से पढ़ाई नहीं होती इसीलिए तो मैंने कॉमर्स लिया, अदरवाइज साइंस ना लेता। तो देखो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेहनत यहाँ पे भी करनी पड़ती है, मेहनत खाना खाने के लिए भी करनी पड़ती है ना। खाना ऐसे ही मुंह में डाला तो चला जाता है, पेट में नहीं चला जाता, चबाना पड़ता है। तो ऐसे ही अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। तो मेहनत तो आपको कॉमर्स लेके भी करनी है, थोड़ी बहुत कम करनी होती है साइंस के कंपैरिजन में, बट देन ऐसा नहीं है बिल्कुल कि बस राम राज्य प्रजा सुखी,
ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई तो आपको यहाँ पे भी करनी है। तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बताना, मैंने आपको बता दिया, आपको आगाह करना जो मैंने आपको कर दिया कि सब जीरो पे हो, स्टार्ट करना है नए से तो अच्छे से स्टार्ट क्यों ना करें। समझ में नहीं आया ऑन द स्पॉट पूछो, जब तक माइंड में कोई चीज डाउट है, क्वेरी है, क्लियर नहीं करते तब तक आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो जनरली तो क्या था कि 8th स्टैंडर्ड में मान लो नहीं पढ़ा था, फिर 9th में पढ़ना होता है ना, तब आप डाउट पूछते हो ना, तो टीचर क्या बोलेंगे, अरे ये तो 5th 6th स्टैंडर्ड में आता था, इतना नहीं आता। अभी आपको कोई टीचर ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको 5th 6th स्टैंडर्ड में आता था, सब कुछ नया ही पढ़ना है। तो मेक श्योर कि माइंड में कोई डाउट मत रखो, Day 1 से अच्छे से पढ़ाई करो, और अच्छे से रिजल्ट पाने के लिए एक ही चीज होती है, डेली का काम डेली करो। जितना भी टीचर्स पढ़ाते हैं, जितना होमवर्क देते हैं, जो भी क्लास में करवाया है उसको डेली का डेली होमवर्क फिनिश करो। अगर आप डेली का वर्क डेली करते हो, आपका रिजल्ट माइंड ब्लोइंग होने से कोई नहीं रोक सकता। खाली यही करना है, आज का पढ़ा हुआ आज कर लो, दैट्स ऑल। कोई बर्डन नहीं, एग्जाम के टाइम पे कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं। सो बेसिकली होप सो थोड़े बहुत आप मोटिवेट हो गए होंगे, ये एक मोटिवेशन का इंजेक्शन मान लो अपने आपके लिए। तो यस, सब जीरो पे है, तो एक प्रॉमिस दे दो कि आज से सब लोग अपना वर्क Day 1 से डेली कंप्लीट करोगे। बिकॉज अगर आज का काम आपने आज नहीं किया, कल पे छोड़ा, क्या होना है ये सब बहुत आप लोग पढ़ ही चुके हो, ठीक है। अब तो नया आया है वापस, तो नहीं कल करे सो आज कर, ये तो पुराना था ही, ठीक है। तो कुछ नया और लाए हैं जो बहुत आलसी लोग हैं, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा कल करना था वो आज करे ही, वो कभी और भी कर सकते हैं। मतलब जो कल करना है वो कल ही करे ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो कभी और भी दिन कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आलसी लोगों का काम है जो हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हमें बस आज का काम आज कर देना है, एंड इसी के साथ हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा रखती हूँ कि आप सब लोग ऐसा ही करोगे। अभी हम आज एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हमारी स्टेट्स की बुक का, जिससे हमारा बार बार का ये जो आपको लगेगा सिंपल कि मैं थोड़ा बहुत भाषणबाजी कर रही हूँ, तो बार बार मुझे भाषणबाजी ना करनी पड़े इसलिए अभी स्टेटिस्टिक्स जो आपकी बुक का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? तो सिंपली जब आप पढ़ाई करोगे, कोई भी चीज की स्टडी करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना। हाल फिलहाल आपने जो लिंक पाई वो भी तो क्या है? एक डेटा कलेक्शन ही है। लिंक आपने कहीं ना कहीं से मिली ना आपको, YouTube वीडियो की, आप मुझे सुन रहे हो, ये भी वन टाइप ऑफ क्या है? डेटा है। कोई भी टाइप की स्टडी करनी है आपको, कोई सर्वे करना है, कुछ नॉलेज लाना है। अब मान लो कि नॉलेज नहीं लाना है, बट कुछ चीजें ऐसी है जो करनी पड़ती है, लाइक भारत सरकार को हर 10 ईयर पे जनगणना, मतलब कि पॉपुलेशन सेंसस काउंटिंग करनी ही पड़े। तो क्या करते हैं? घर जा जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कितने लेडीज हैं, मतलब कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कौन पढ़ता है, कौन जॉब करता है, कितने लोग बिल्कुल फ्री है, आइडियल बैठे रहते हैं, और घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कितने व्हीकल्स हैं। ये बहुत सारी बहुत वो लोग इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं हम लोगों के घर से। तो वो क्या हो गया भाई? एक कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। तो कलेक्शन ऑफ डेटा जो है उसकी कितनी मेथड होती है? मैंने अभी जो आपको बताई वो मेथड तो थी
पर्सनल जाके आप ले रहे हो डेटा, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड। तो ऐसी डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में भी अलग अलग टाइप्स है, इनडायरेक्ट मेथड भी होती है। जैसे आपने कहीं न्यूज़पेपर से डेटा ले लिया तो वो इनडायरेक्ट मेथड हो गई, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले क्या करेंगे कि खुद जाके वो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, बट आप खुद नहीं गए, आपने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो वो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ऐसे डेटा कलेक्ट करने की जो मेथड्स होती है वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन आफ्टर सेकेंड चैप्टर में ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, आपको पता है ना वो रॉ डेटा कैसे फॉर्म में होता है, ऐसे बुक के फॉर्म में, मतलब ऐसे पेजेस के फॉर्म में पड़े होते हैं, उससे ये कभी पता नहीं लगेगा कि गुजरात में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, गुजरात का बर्थ रेट क्या है, गुजरात का डेथ रेट क्या है, केरला में एजुकेशन का लेवल हाई है, सबसे ज्यादा हाई है, एंड कहाँ पे सबसे लो है। तो ये सारी चीजें कहीं पे भी मतलब ऐसे ही आपको नहीं समझ में आ जाएगी। डेटा कलेक्ट करने से सिर्फ ये सारी चीजें आप कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना पड़ेगा, उसका प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट? तो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसको आपको क्या करना रहेगा, फिर क्लासिफाइड करना रहेगा, क्लासिफिकेशन करके फिर आपको डेटा को अच्छे से अच्छे वे में प्रेजेंट करना है। कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि जिसको हम टेलीमार्क्स, आपने देखा होगा ना, टेंथ में आता था, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि कहीं कुछ रिपीट नहीं होने वाला, बट ये एक चैप्टर है जो आपका पूरा रिपीट होने वाला है, बट नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बिल्कुल फ्रेशली सिखाऊंगी जैसे आप कुछ टेंथ में पढ़े ही नहीं, ठीक है? और मुझे बेसिकली नहीं पता, सही में नहीं पता कि टेंथ में किस लेवल का ये स्टैटिस्टिक चैप्टर आता था, कौन कौन से सम्स आते थे, कैसे सम्स आते थे, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब मैं बेसिक सा जीरो से ही स्टार्ट करके आपको टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं ना वो सिखाऊंगी, राइट? तो ऐसे बाइफरकेशन, क्लासिफिकेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, तो आप टैली मार्क्स के थ्रू कर सकते हो, टैली डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यस सॉरी टैली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन आफ्टर कोई टेबल के फॉर्म में भी आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो कि जिससे सामने वाले को कुछ पता चले कि भाई गुजरात में कितना पॉपुलेशन है, केरला में कितना है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कितना है, और अलग अलग स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन है, उसमें कितने मेल कितने फीमेल है, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, उसका एजुकेशन लिटरेसी रेट क्या है, ये सारी चीजें पता चल सके इजीली, इसके लिए उसको टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में करनी रहती है। उसके बाद टेबुलर फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है तो उनके लिए फिर ग्राफ बनते हैं, जिससे ग्राफ से तो फिर इजीली सामने वाले बंदे को समझ में आ ही जाएगा। तो ये जो सेकेंड चैप्टर है ना बेटा आपका, वो पूरा का पूरा ये प्रेजेंटेशन का है। सेकेंड चैप्टर क्या है, पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फर्स्ट चैप्टर में आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे डेटा घर घर जाके या कहीं से भी, तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं करना है, थियरी ही है और कुछ डिफाइंस है, वो मेथड है और वो मेथड से फायदे क्या है, उसके गैर फायदे क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, ये सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर में है। सेकेंड में सम्स है, सम्स के लिए जो बताया मैंने, क्लासिफिकेशन करना है, डेटा को अरेंज करना है, प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2। फिर आपका आएगा चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिक्स का जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपको ये अच्छे से आ गया, मैं बोलूं 11th का 50% स्टैटिस्टिक्स खत्म, समझ में आ रहा है? आप बोलो वो तो आता ही है ना, मीन मीडियन मोड, यस मीन मीडियन मोड, बट इसके अलावा और भी सेंट्रल ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज इधर है, ठीक है, लाइक क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है। तो
टोटल हमें यहाँ पर सिक्स पढ़ने हैं, राइट? मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, तो टोटल हो गए सिक्स। तो बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे भी ऐसा, जैसे मैंने बोला कि आपका अगर एट स्टैंडर्ड का या नाइन्थ स्टैंडर्ड का कंसेप्ट वीक था तो टेंथ में आपको दिक्कतें आई ही आई होगी, रात भर पढ़ाई करते रहे बट समझ कुछ नहीं आता, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो मैं बोलूंगी कि अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा ना, थर्ड से फिर आपकी विकेट गिरने शुरू हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं अब भी से बोलूँ, आप लिख के रखो कि अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर को आपने अंडर एस्टिमेट किया, कंटाला आएगा, मोनोटोनस लगेगा। फर्स्ट चैप्टर आपको लगेगा क्या है यार ये सब, सेकेंड चैप्टर में आपको लगेगा कि ये क्या है, ऐसा तो आता है, छोड़ दो, नहीं करना। मतलब ये सब अगर किया ना, थर्ड चैप्टर से गए काम से, क्योंकि थर्ड चैप्टर में इतने फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज को कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से टाइप के वेरिएबल होते हैं, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये सारी चीजें तभी समझ में आएगी जब आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ा है। सो बिलीव मी अगर फर्स्ट एंड सेकेंड को अंडर एस्टिमेट किया ना, थर्ड में कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर थर्ड में समझ में नहीं आया, फोर्थ तो गए काम से, क्योंकि थर्ड आया तो फोर्थ आएगा। समझ में आ रहा है? फोर्थ चैप्टर है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है उसमें आपको डेविएशंस पढ़ने हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, और ये सारी चीजें तभी आएगी। डेविएशन तभी आएगा जब आपको क्वार्टाइल फाइंड करने आता है, तो आप क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर पाओगे ना, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है? यस। थर्ड चैप्टर नहीं आता ना, तो फोर्थ चैप्टर में से एक टॉपिक आप कर सकते हो, दैट इज रेंज। रेंज आप इजीली फाइंड कर सकते हो, उसके लिए कुछ होता नहीं है। छोटा बड़ा समझ में आता है ना, जो बचपन में करते थे कि बड़े के सामने मुंह खोलो, छोटे के सामने मुंह खोलो, लेस देन मोर देन, समझ में आता है, तो आप रेंज कर पाओगे। बट देन पूरा जो चैप्टर है ना, नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए थर्ड चैप्टर आना जरूरी है, एंड थर्ड के लिए सेकेंड आना जरूरी है। सो आप बोलो कि मैम डरा रहे हैं, हाँ तो मैं डरा रही हूँ। आप बोलो कि मैम रियलिटी बता रहे हैं, हाँ तो मैं रियलिटी बता रही हूँ। समझ में आया? बिलीव मी, फर्स्ट चैप्टर से अच्छे से पढ़ाई की, फोर्थ चैप्टर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, सेकेंड अच्छे से नहीं पढ़ा, थर्ड एंड फोर्थ में पढ़ना भी होगा ना, नहीं पढ़ पाओगे। समझ में आया? सो डे वन से फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आता पढ़ो, सेकेंड चैप्टर को भी जब तक समझ में नहीं आता पढ़ो, थर्ड एंड फोर्थ अपने आप आना ही पड़ेगा, कुछ है ही नहीं फिर उसमें। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड अच्छे से किए है ना, बेस आपका परफेक्ट है, स्मूथली आप पढ़ पाओगे चैप्टर नंबर थ्री एंड फोर। जब तक आपने वन एंड टू को आधा अधूरा छोड़ा है, मैं बोलूंगी कि थर्ड चैप्टर के लिए मत जाना। जाओगे एक दो बार, ऐसा लगेगा कि हाँ आ जाएगा, मैं सम करवाऊंगी, डेफिनेटली लगेगा कि तो इजी है, मैम बोल रही थी नहीं आएगा। ऐसे सब आपको रिस्क लेने हैं, अपने हिसाब से ले लो, एक बार देख लो, आप अपने आप को भी आजमा लो, मुझे भी आजमा लेना। समझ में आया कि चलो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं पढ़ना, हम सीधा थर्ड से पढ़ेंगे, थर्ड में कुछ समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर में समझ में आएगा, बाद में नहीं आएगा। मैं बताती हूँ, मैं पढ़ाऊ या कोई टीचर पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए, नहीं समझ में आएगा, राइट? आपको लगेगा कैसे टीचर है ये, तो मैं ऐसी ही हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, जो है रियलिटी, रियलिटी ही शो करती हूँ, एंड ये रियलिटी है। फर्स्ट चैप्टर आ गया, अच्छे से पढ़ा, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, उसी के बेस पे आपका फिफ्थ चैप्टर भी है, एंड फिफ्थ चैप्टर इज स्क्यूनेस, उसी के बेस पे, मतलब थर्ड चैप्टर के बेस पे है, फोर्थ के बेस पे नहीं है, थर्ड के बेस पे है। सो थर्ड चैप्टर आया तो ही फोर एंड फिफ्थ आएगा। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली थर्ड चैप्टर ऑल ओवर स्टैटिस्टिक्स का बेस है। 6, 7, 8, 9 जो है वो पूरा अलग चीज है। मतलब अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड नहीं पढ़ा तो कब तक आप नहीं पढ़ पाओगे? चैप्टर नंबर 5 तक। 6 से चाहो
वापस लिंक हो सकते हो। सिक्स से चाहो वापस एक नई चीजें आती है हर चैप्टर में, फिर तो नई है, 6, 7, 8, 9 चारों चैप्टर बिल्कुल नए हैं। लिंक वाइज बोले तो ये फर्स्ट 1 to 5 चैप्टर्स अगर वो अच्छे से आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते देन ऑल द बेस्ट फॉर सेकेंड सेशन, कि जो दिवाली के बाद स्टार्ट होगा उसके अंदर आपको फिर अच्छे से ध्यान दोगे तो 6, 7, 8, 9 आ सकता है। समझ में आया? सो बेसिकली मैंने अभी फर्स्ट पार्ट के लिए ही आपका इंट्रोडक्शन ये कर रही हूँ। 6, 7, 8, 9 जो है उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, बट यस 1 to 5 चैप्टर जो है एकदम लिंक वाले हैं। अच्छे से पढ़ाई करना तो हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है। इको भी ये पढ़ लेते हैं, पढ़ के लर्न हो जाता है। अकाउंट्स में भी थोड़ा बहुत तो हो जाता है, एंट्री कर लेते हैं तो मतलब डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता, बट अपने आप थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना तो कुछ कुछ अट्ठे गट्ठे भी सही हो जाता है, पर स्टैटिस्टिक्स में पूरा सम रॉन्ग हो जाता है, फॉर्मूला ही गलत रख देते हैं, समझ में ही नहीं आता कौन सा फॉर्मूला रखना है। ये सब कुछ होगा अगर आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स सही तरीके से अटेंड नहीं करोगे तो। समझ में आया? तो ये नहीं करना है। ये पूरा लेक्चर क्यों मैंने ऐसे पूरा भाषणबाजी में निकाला, इसीलिए आगाह करने के लिए, अपने आप को अच्छे से जगा लेना, मोटिवेट कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। कल मिलते हैं बहुत धमाकेदार नए चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर की एंट्री के साथ। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।